फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे जसनूर। सो आज हम बनाने वाले हैं एक सुपर इजी एंड क्विक क्रिसमस कार्ड। जस्ट लास्ट मिनट अगर आप कोई हैंडमेड कार्ड बनाना चाहते हैं, यू कैन मेक दिस सांता कैप क्रिसमस कार्ड। बहुत इजी है, बहुत ही थोड़ा सा हमें इसके लिए सामान चाहिए। फर्स्ट यू रिक्वायर इज एनी पेपर जिसपे आप बनाना चाहते हैं। सो आई एम यूजिंग दिस येलो कलर्ड कार्ड स्टॉक शीट। अगर आप कोई और कलर यूज करना चाहते हैं तो यू कैन इजीली यूज इट। देन आपको रेड कलर की कोई भी शीट चाहिए, फोम शीट, ये ग्लिटर शीट है, यू कैन यूज दिस। फोम वाली जो ग्लिटर शीट्स आती हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। अगर और कुछ भी नहीं है तो सिंपल रेड कलर का ग्लेज पेपर भी यूज कर सकते हैं। देन आपको थोड़ी सी कॉटन चाहिए एंड यूल ऑल्सो रिक्वायर एनी काइंड ऑफ ग्लिटर ट्यूब या फिर ग्लिटर पेन। सिर्फ हमें इतनी सी चीजों की जरूरत है। उसके साथ साथ आपको कुछ भी चीज स्टिक करने के लिए चाहिए। तो इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड बेल बटन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो अभी हम लोग सबसे पहले इसको कार्ड की शेप में फोल्ड कर लेंगे। सो लेट्स जस्ट फोल्ड इट। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। नेक्स्ट आपको इसके ऊपर एक सांता कैप की शेप ड्रॉ करनी है। मेक श्योर कि आपका कार्ड से एक्स्ट्रा नहीं जाए एंड जो नीचे का बेस है उसको थोड़ा सा हम बड़ा रखेंगे बिकॉज हम उसको लेटर ऑन शेप में कट करेंगे। सो हम लोग इसको बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रेट रखते हुए एंड देन वी विल टर्न इट। आई एम यूजिंग अ मार्कर बिकॉज मार्कर ही एक ऐसी चीज है जो इस पे विजिबल इनफ है। एंड देन आप नीचे से दूसरा भी साइड देखते हुए जस्ट मेक श्योर कि आपकी जो कैप है वो बिल्कुल भी पेपर से बाहर नहीं चली जाए, सिंस हम लोग उसको एज अ बेस यूज कर रहे हैं। इस तरह से हम कैप ड्रॉ कर लेंगे पहले एंड देन वी आर गोइंग टू कट दिस। तो ये हमने कैप ड्रॉ कर लिया है, हम इसको कट कर लेते हैं। सो नेक्स्ट इस तरह से हम फेविकॉल लगा लेंगे एंड वी आर जस्ट गोइंग टू स्टिक दिस। इस तरह से हमें स्टिक कर लेना है। मेक श्योर आप इसको अच्छे से स्टिक कर दें एक बार एंड लेट इट ड्राई। एंड वंस वी हैव स्टिक दिस, अब हम इसको इसी शेप में कट कर लेंगे। जो एक्सेस पार्ट है उसको रिमूव कर देंगे। सो लेट्स कट दिस नाउ। दोनों पार्ट्स जो हैं कार्ड के वो कट होंगे बिकॉज कार्ड सिंगल रहेगा। एंड मेक श्योर कि इसके आगे आप कट नहीं करें बिकॉज कहीं से कार्ड ज्वाइन भी होना जरूरी है। सो ये हमारी सांता कैप इस तरह से बन गई है। एंड नाउ यू कैन जस्ट ओपन इट। यहाँ पे आप अपना मैसेज लिख सकते हैं। एंड फ्रंट के अंदर अब हम इसको कैप का एक्चुअल लुक देने के लिए कॉटन पेस्ट करेंगे। सो फॉर दैट आपको इस तरह से कॉटन, प्लेन कॉटन लेनी है, जस्ट उसका थिन शीट एंड देन जस्ट रोल इट लाइक दिस, एक पर्टिकुलर विड्थ पे। इस तरह से अगर आप उसको पेस्ट करेंगे इट्स गोइंग टू बी क्लीन एंड गोइंग टू लुक बेटर। थोड़ा सा हम इसको एजेस से बाहर रखेंगे, बिल्कुल एजेस तक नहीं रखेंगे बिकॉज इट लुक मोर नेचुरल। आप चाहें तो ऑफकोर्स कट कर सकते हैं। एंड देन एक हम लोग बॉल बना के कॉटन की यहाँ पे पेस्ट करेंगे ताकि बिल्कुल ये सांता कैप लगे। सो लेट्स पेस्ट दिस। जस्ट फॉर क्विकर पर्पज मैं इसमें ग्लू गन यूज कर रही हूँ। आप ऑफकोर्स कॉटन बहुत ही इजिली फेविकॉल से स्टिक हो सकती है। सो ये इस तरह से हमने इस पे कॉटन लगा ली है। दिस इज एक्चुअली लुकिंग लाइक अ कैप। आप चाहें तो रेड पेपर यूज कर सकते हैं। आई थिंक दैट वुड लुक बेटर बट लेट्स गो विद व्हाट वी हैव नाउ। अब हम इसके बीच में मेरी क्रिसमस लिखने वाले हैं। आप अपने मैसेजेस को अंदर लिख सकते हैं। आई एम यूजिंग सिल्वर ग्लिटर ट्यूब। आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ग्लिटर पेन अगर आपकी ग्लिटर शीट है तो उस पर अच्छा नहीं लगेगा, बट अगर कोई और सिंपल शीट है इट इज गोइंग टू वर्क वेरी नाइसली। सो लेट्स राइट नाउ। That is it। हमने लिख लिया है मेरी क्रिसमस और हमारा बहुत ही सिंपल सा लास्ट मिनट DIY कार्ड रेडी हो चुका है। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो स्टे कनेक्टेड विद मी। दिस इज आरजे जसनूर साइनिंग आउट। बाय बाय।